more than. मुझे खेद है कि मैं सदन के सामने जो प्रस्ताव पेश हुआ है और जिस पर हमने काफी देर तक चर्चा की है, मैं उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे कहा गया है कि मैं अपने कुछ साथियों को मंत्रिपरिषद से अलग कर दूं, मुझे भी इस बात के लिए आलोचना का विषय बनाया गया है कि मैं उन मंत्रियों का बचाव कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ये मामला पहली बार नहीं उठा है, यह सिलसिला कई वर्षों से चल रहा है। मुझे याद है पिछले साल भी इस मामले पर चर्चा हुई थी और तब मैंने एक वक्तव्य दिया था जिसको कल मेरे मित्र श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने उद्धृत किया था। मैंने कहा था कि नाइदर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर द लॉ डिस्क्वालीफाइज ए मिनिस्टर फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस मेयरली बिकॉज ए चार्ज शीट इज फाइल्ड बाय द पुलिस और फॉर्मल चार्जेज आर फ्रेम्ड बाय द कोर्ट। इसे चुनौती नहीं दी गई है, दी भी नहीं जा सकती, लेकिन सवाल उठाया जा रहा है नैतिकता का, औचित्य क्या है। और उन्होंने इस्तीफे दिए, हरीन पाठक का नाम लिया गया है। हरीन पाठक हमारे कुछ कांग्रेसी मित्रों को इतना पसंद हैं, ये तो शायद उन्हें भी नहीं मालूम था। कल तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही थी, बड़ी खुशी की बात है। अगर हरीन पाठक मेरे बाद प्रधानमंत्री बने, मुझे प्रसन्नता होगी। लेकिन तो हमारे कांग्रेस के मित्रों का क्या होगा। लेकिन हरीन पाठक का त्याग पत्र अलग अलग परिस्थितियों में हुआ है, उनकी अपनी इच्छा से हुआ है। वो त्याग पत्र के लिए विवश नहीं किए जा सकते थे। उन्होंने जब त्याग पत्र की बात आकर कही तो उन्हें सलाह दी गई कि आप थोड़ा रुकिए, देखते हैं कि अदालत में किस तरह से मामला जाता है। लेकिन वो त्याग पत्र पर अड़े हुए थे, इसलिए त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया। उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। लेकिन लेकिन जिन तीन मंत्रियों के मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की जा रही है, उनके त्याग पत्र लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अगर त्याग पत्र देंगे तो भी मैं त्याग पत्र वापस कर दूंगा। ये बात समझने की जरूरत है, ये साधारण अपराध नहीं है, ये भी समझने की बात है कि वो मेरे सहयोगी हैं, मैं उन्हें जानता हूं, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें दायित्व सौंपा गया है जिसका वो अच्छी तरह से निर्वाह कर रहे हैं। मामला अदालत में है, फैसले तक रुकना चाहिए। औचित्य की एक परिभाषा भी होना बाकी है। मैं बिहार की बात नहीं कहूंगा,
आप किनका समर्थन कर रहे हैं, किनके बल पर अपने पार्टी के सारे सदस्यों को मंत्री बनाकर बैठे हैं, मैं इसकी चर्चा नहीं करता। लेकिन बात स्पष्ट है कि अभी सबकी राय से एक ऐसी आचार संहिता बनना आज आवश्यक है कि जिसमें किसी पर भी दोहरे मानदंड का आरोप न लग सके। एक तरफा नहीं हो सकता, और इसलिए मेरा अपने विरोधी मित्रों से कहना है कि वो नैतिकता की बात को न उठाएं। औचित्य का प्रश्न नहीं है। अब मुझे व्यक्तिगत रूप से जब मालूम है, और आप कहेंगे कि मैं फिर अदालत को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा हूं, मैं नहीं करना चाहता, करता भी नहीं हूं, और मुझे विश्वास है अदालत प्रभावित होगी भी नहीं, भले ही अच्छे से अच्छे वकील जाएं। कोई कोशिश नहीं किया, लेकिन आइए इस सवाल पर हम मिलकर बैठें, आपस में चर्चा करें, एक रास्ता निकालें, आम सहमति का विकास करें। अडवाणी जी को पद से मोह नहीं है, आखिर जब आरोप लगे गड़बड़ घोटाले के, आर्थिक गड़बड़ घोटाले के, अडवाणी सदस्य थे, इस्तीफा दे दिया। मैं जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाऊंगा, निष्कलंक प्रमाणित नहीं हो जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। और वो नहीं आए और चुनाव लड़कर आए। जनता किसके साथ है, हमारे वोट गिनाए जा रहे हैं, हम यहां बहुमत में बैठे हैं, मित्र दल हमारा साथ दे रहे हैं इस मामले में, और हम भी जो नेशनल एजेंडा है उससे बंधे हुए हैं। जानबूझकर सोच समझकर हमने विवादग्रस्त प्रश्नों को छोड़ा है, कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन देश की परिस्थिति, राजनीति जिस तरह से करवट ले रही है, उसमें आवश्यकता है कि मिलजुल कर काम किया जाए। आखिर आप भी और दलों का सहयोग लेते हैं, उनके साथ सरकार भी बनाते हैं, बाद में तोड़ देते हैं। हमारी सरकार चल रही है, शायद आपको यह पसंद नहीं है, सरकार चल रही है, हमारे सब सहयोगी मित्र कुछ मामलों में मतभेदों के बावजूद साथ साथ काम कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए शुभ सूचना है, आपको इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन आप समझते थे कि ये मामला ऐसा है कि इस पर एनडीए बिखर जाएगी, टूट जाएगी, एनडीए एक होकर खड़ी है, एनडीए संगठित होकर खड़ी है। लेकिन मैं इस प्रश्न को एनडीए और प्रतिपक्ष का प्रश्न नहीं बनाना चाहता। अयोध्या का मसला नाजुक है, मैं उस भाषा का उपयोग नहीं करूंगा जो कल मेरे विरुद्ध प्रयुक्त की गई। मैं सदन में मौजूद था उस तारीख को, मेरा भाषण है, उस समय मैंने एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, और मैंने अपनी पीड़ा, अपना आक्रोश व्यक्त किया था। मुखौटा गिर गया, क्या मतलब है इसका, ये कौन सी भाषा है, ये प्रतिपक्ष के लिए कहा जाएगा। मैंने पार्टियां नहीं बदली हैं रीति साहब, इसलिए मुखौटा बदलने का सवाल ही नहीं है। 40 साल से मैं इस पार्लियामेंट में हूं, मैंने दल नहीं बदले, और निर्भीक होकर बातें कही हैं।
और संकट के समय जो भी सरकार थी उसके साथ खड़ा रहा हूं, मगर आज तो कोई राष्ट्रीय संकट का विचार करने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैंने कहा कुछ मामलों पर आम सहमति होनी चाहिए, बिना सहमति के तो नहीं चल सकता। अब राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, हमें और दलों के सहयोग की आवश्यकता है, काम ठप कर सकते हैं, लेकिन देश का काम ठप करना कोई देश के कल्याण की बात थोड़ी है। मैंने अभी कहा कि मैं इस मामले में कभी बोला नहीं, अयोध्या कांड के बाद, लेकिन बोलने के लिए मजबूर कर दिया गया जब सदन को नहीं चलने दिया गया। यह सदन को न चलने देने वाली बात क्या है अध्यक्ष महोदय? विरोध प्रकट करना मेरी समझ में आ सकता है? हमको पूछ रहे हैं आप। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि प्रारंभ से, और सोमनाथ चटर्जी यहां बैठे हुए हैं, इंद्रजीत गुप्ता का मुझे स्मरण हो रहा है, हम मिलकर बैठे थे, हमने कुछ फैसले किए थे, विरोध प्रकट किया जाए, मगर विरोध इस तरह से प्रकट होना चाहिए कि सदन का काम चलता रहे और देश भाग्य से जुड़े हुए फैसले होते हैं। No, आप कहेंगे कि हम जब प्रतिपक्ष में थे तो क्या करते थे? No, आपको याद होगा सोमनाथ जी, मैंने हमेशा इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल को कभी भी उपद्रव का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। नहीं, जो कुछ कहना है आप 12 बजे कहिए। नहीं, अब तो अध्यक्ष कुर्सी पर आसन पर बैठने भी नहीं पाता कि उसको सत्कार करने वाले चारों ओर से घेर लेते हैं। ये अच्छी परंपरा।